आज सुबह 7 बजे थाना मसूरी क्षेत्र में चित्तौड़ा रोड पर एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि 28 तारीख को जो घटना हुई थी 28 मार्च को, जिसमें गोविंदपुरम क्षेत्र से पेट्रोल पंप के लोगों से 22 लाख कैश लूट लिया गया था और फायरिंग भी की गई थी। उसमें ही एक अभियुक्त के साथ पूर्व में ही मुठभेड़ हो चुकी है, जिसको उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी, मुकेश, और उससे 10 लाख रुपये रिकवर किए गए थे। अभी सूचना के आधार पर जब कॉम्बिंग की जा रही थी और ये जो दूसरा अभियुक्त था सुंदर, ये भागने की फिराक में था, यहाँ से हापुड़ निकलने की फिराक में था, तो उसी दौरान यहाँ पर कॉम्बिंग की गई और इसने पुलिस पार्टी पर हमला किया। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों पर गोली लगी है और इसके पास से अभी देखने में, जो हमने प्रॉपर गिनती नहीं की है, लेकिन लगभग 7 लाख रुपये इसके पास से बरामद हुए, जो इसके द्वारा बताए जा रहे हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अब तक टोटल 17 लाख की रिकवरी इसमें हम लोग कर चुके हैं 22 लाख में से। अन्य अभियुक्तगण जो भी हैं उनसे हम और रिकवरी करेंगे। कुछ अभियुक्तगण इसमें ऑलरेडी जेल में हैं, आसिफ, दीपक, उनका भी PCR लेकर हम उनसे भी रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी सफलता है ये देहात SOG टीम की और सभी के लिए रिकमेंडेशन की जाएगी।